जानी ने हलक से खुशी की कोई आवाज निकाली, जिससे सामने काम करता बैठा एक लड़का जो देर से हंसी रोकने की कोशिश कर रहा था, फप्फू करके हंसी में फट पड़ा। सुल्तान भाई के चेहरे की नरमी पलक झपकते में गायब हो गई। उन्होंने हाथ में उठाया हुआ स्क्रू ड्राइवर खींच के लड़के को मारा तो ठक की आवाज के साथ उसका हैंडल लड़के के घुटने पर लगा। लड़का चीखा। सुल्तान भाई ने उसे बहुत भारी गाली दी। लड़का बसूरता लंगड़ाता हुआ दुकान से बाहर चला गया। जानी मियां लड़के की चीख और गाली सुन के खुद बसूरने लगे थे। वहीद ने तसल्ली देते हुए उनके शाने पे हाथ रख दिया। जानी मियां ठीक हो गए। सुल्तान भाई चोर से बन गए। उनका मूड बिगड़ा हुआ देख के सब मिस्त्री मददगार अपना अपना काम संभाल दुकान से निकल गए। कुछ किराए वाली साइकिलों के पास जा खड़े हुए और बिला जरूरत कपड़ा मारने लगे। कुछ किराए वाली साइकिलों के पास जाकर खड़े हुए और बिला जरूरत कपड़ा मारने लगे। कुछ ने बीड़ी सुलगाई। लंच का वक्त अभी खत्म नहीं हुआ था। सुल्तान भाई ने जेब से चाबियों का गुच्छा निकाला, तिजोरी खोली, 5-5 रुपए के नोट निकाल के चमचे की तरफ बढ़ा दिए। लो वहीद, जानी मियां को घर ले जाओ, टैक्सी पकड़ लेना, रस्ते में करीम सूरती के होटल से चिकन रोस्ट ले लेना। लो वहीद, जानी मियां को घर ले जाओ, टैक्सी पकड़ लेना, रस्ते में करीम सूरती के होटल से चिकन रोस्ट ले लेना, बोलना सलाद भी दे, दही भी लेते जाना। वहीद पैसे नहीं ले रहा था, बोला, हैं मेरे पास, जानी मियां की वालदा ने 1200 रुपए दिए हैं इस दफे। 1200 उस जमाने में बहुत बड़ी रकम थी। सुल्तान भाई ने वहीद का कंधा थपका, वो संभाल के रखो, जाओ इन्हें हाथ पकड़ के सड़क पार कराना। वहीद ने कहा, अच्छा, और सुल्तान भाई के दिए हुए पैसे जेब में डाल, जानी मियां के पंजे में पंजा फंसा, दुकान से उतर गया। सवार सुल्तान भाई को पूरे इलाके में उनके नर्म और सख्त मिजाज की वजह से और कारोबार में ईमानदारी और पैसे की वजह से पसंद किया जाता था। उन्हें इस वजह से भी पसंद किया जाता था कि वो शराब, सिगरेट और फारस रोड की औरतों से दूर रहते थे। सुल्तान भाई जुमेरात की जुमेरात कव्वाली सुनने सोनापुर के कब्रिस्तान ज़रूर जाते थे और वो भारी भारी गालियाँ देकर मार धाड़ करके अपने सब मिस्त्रियों और लड़कों को टाइट रखते थे। उन्हें फारस रोड और उससे निकलने वाली गलियों की तरफ देखने भी नहीं देते थे। कहते थे, इन बातों से बीमारियां होंगी और रोजगार में नहुसत फैलेगी। और कहते थे, रोजी भैया सबसे बड़ी चीज है। खिलाफ वर्जी करने वाले को सुल्तान दो बार धमकी देते थे। तीसरी बार की रिपोर्ट पे बैद लेके जम के उसकी ठुकाई करते और हिसाब साफ करके सामान उसका सड़क पे फेंकवा देते और बस हाथ झाड़ लेते। मगर ये जानी मियां तो रामपुर से आते ही थे गाना वाना सुनने को। वो और उनका चमचा रीटा भाई के कोठे पे एक दो रोज पड़े रहते। फिर जाने से पहले सुल्तान भाई किसी जुमेरात को सोनापुर में उनके साथ कव्वाली सुनते और बॉम्बे वीटी के स्टेशन पर ले जाके रामपुर का टिकट दिला देते और उन्हें गाड़ी चढ़ा देते। 3-4 बरस से ऐसा ही चल रहा था। इस दफे जो जानी मियां आए तो सुल्तान भाई की चाली के नए फ्लैटों में पानी का कोई मसला था, इसलिए उन्होंने मुझे भेजा कि जाओ कुछ करो। मैंने उनके नौकर और फ्लैटों के चौकीदार को बाल्टियां देकर बराबर वाली बिल्डिंग में भेजा, पानी मंगाया, किस लिए कि शाम को जानी मियां नहाएंगे, धोएंगे, गाना सुनने जाएंगे। खाने के बाद सुल्तान भाई ने फिर मुझे भेजा कि टैक्सी ला दूँ। टैक्सी आ गई तो जानी मियां को सवार कराते हुए वहीद को समझाने लगे कि रात में जब भी मियां घर आने को कहें टैक्सी कर लेना, पैदल मत लाना। तुम्हें पता है फारस रोड के फला नुक्कड़ पर रात भर टैक्सी मिलती है। टैक्सी वाले को 4 आने ज़्यादा देना, वो आगे बढ़ के बिल्डिंग के चौकीदार को उठा देगा। जब तक तुम लोग गाड़ी में ही बैठना, उतरना मत, और भी पता नहीं क्या क्या। हालांकि सुल्तान भाई जानते थे कि जानी मियां सुबह से पहले रीटा का ठिकाना नहीं छोड़ेंगे। रावी रीटा बाई वाली बिल्डिंग के सामने दोनों टैक्सी से उतर गए।
वही चमचे ने टैक्सी को फारिग कर दिया। इन गलियों में सलाखों वाले शोकेस या पिंजरे नहीं थे जो इस पाड़े की पहचान है। फ्लैटों पर टिकी हुई बेसवाएं यहां जरा रख रखाव से कारोबार करती हैं। पिंजरों में खड़ी मुर्गियों बत्तखों की तरह वो खुद कटकटाती चीखती नहीं थीं। उनकी जगह ऊंची आवाज में यहां रेडियो सैलून बजाया जाता था। चाबी वाले ग्रामोफोन बाजों पर सज्जोबाई बरोड़कर, कालू कव्वाल मीरठ वाले और कमला झरिया के रिकॉर्ड लगाए जाते थे। कहीं रोजनदारी साजिंदे अपने साजों को ठोक बजा के गाहकों को मुतवज्जा करते और इस तरह अपनी दिहाड़ी पक्की करते थे। रीटाबाई वाली बिल्डिंग के नीचे पहुंचे तो वहीद ने सुना पहले माले के फ्लैट में गत बज रही थी। वहां मुजरा शुरू था, शायद शोशो नाच रही थी। रीटा भी नाच के शायकीन के लिए रोजनदारी पर शोशो ही को बुलवाती थी। नाचने के नाम पर वो जो कुछ करती थी उससे गाहकों को तसल्ली हो जाती होगी। जभी तो वो 1.5-2 साल से इमरजेंसी डांसर के तौर पर कोठों पर बुलवाई जाती और सारे साल मसरूफ रहती थी। कोठों पर शोशो डांसर की तरह रोजनदारी म्यूजिशियन भी बुलाए जाते थे जो अपना काम बजा के पैसे लेके चले जाते थे। ये बड़े फितना अंगेज फिक्रेबाज किस्म के लोग होते थे, खुद को मीरासी या मरासी कहते थे। साज बजाना चाहे जानते ना हो, फुलका उड़ाना खूब जानते थे। रीटाबाई का कोठा इन साजिंदों के लिए जैसे घर आंगन था। कहीं काम ना मिलता तो वैसे ही आके रीटा की बैठक में पड़े साजों की सर्विसिंग करके चले जाते। अगर रीटाबाई या कोई मेहमान आर्टिस्ट गाने का इशारा देती तो ये साजिंदे वायलिन सारंगी के तार मिला के, तबलों के लंगर लंगोट कस के, हारमोनियमों की सांसें सवार के अपनी अपनी जगह संभाल लेते। वरना गाहकों के इंतजार में बीड़ियां पीते, गीबत करते और उस वक्त तक आपस में छेड़छाड़ करते रहते कि जब तक सीढ़ियों पे तमाशबीनों के कदमों की चाप ना सुनाई दे। गाहक के आते ही वो सारंगियों पर गज फेरने लगते, तबले खड़खड़ाना शुरू कर देते और धोंकनियां धोंक धोंक के हारमोनियमों की चाबियों पर उंगलियां दौड़ाते जैसे बस रीटाबाई के इशारे की देर है। रीटाबाई की तरह ये साजिंदे भी सीढ़ियां चढ़ के आने वाले नए मुलाकातियों को पहले 3-4 मिनट में जान लेते थे कि क्या है। गाने की समझ रखने वाला तो खैर यहां क्या आता होगा, ज्यादातर फिल्मी गानों के रसिया आते थे। साजिंदे फौरन समझ लेते थे कि फिल्मी गाने चलेंगे, गजल सुनी जाएगी, राग रागनियों की फरमाइश होगी या कुछ नहीं चलेगा, क्योंकि ये गाहक एकदम ऊपर वाले माले का है। कुछ देर यहाँ झक मार के ऊपर वाले माले की सीढ़ियाँ चढ़ जाएगा और वहाँ झक मारेगा। रोजनदारी साजिंदे बैठक में होते तो अपनी कोट जबान में बात करते थे। जैसे ही कोई नया पंछी बैठक में दाखिल होता ये एक दूसरे को सिग्नल दे के धीमी आवाज़ में जैसे उसका इस्तकबाल करते। अगर कोई खूब पिए हुए लड़खड़ाता चला आ रहा है तो एक साजिंदा दूसरे को खबरदार करता, लेबे संभाल ये तैरता हुआ आ रहा है। दूसरा सर हिलाते हुए इत्तफाक करता कि हाँ भाई अब तो वही चलेगी कि जालिम शराब है, अबे जालिम शराब है। गजलों की फरमाइश करने वाले उनके कोड में चिपकू, जौंक या साहिबे जौंक कहलाते थे और बहुत पुराने गीतों के शायक सरोता कहाँ भूल आए ग्रुप। कभी साजिंदों का अंदाज़ा गलत भी हो जाता था, यानी कोई देखे से गज़ल सुनने वाला लगता मगर आते ही सरोता कहाँ भूल आए टाइप गाने की फरमाइश कर देता तो साजिंदे आपस में बड़े खफीफ होते थे। उनमें से कोई भन्ना के सर घुजाते हुए पास वाले से कह देता, देखा साले ने कैसा दाया दिखा के बायां मारा है। बराबर वाला आग ही में सर हिलाता, जमाने का शिकवा करता कि हाँ भाई ईमानदारी तो जैसे उठती जा रही है कोठों से। जानी मियाँ और वहीद एक दूसरे का हाथ थामे रीटाबाई की बैठक में दाखिल हुए तो बिलूचंद तबलिये ने तबले पे हाथ मार के नारा सर किया, जानी आओ मेरे जानी, और बैठक से आवाजों की ऐसी भन भनाहट उठी
जैसे एक फायर पे भरे खलियान से 100 चिड़ियां भर्रा मार के उठती हैं। फिर इस आवाज पे तबले की चाल गालिब आ गई। बिलूचंद ने अपनी जोड़ी पे ततत था तेरी गत्था निकाल के जानी मियाँ का इस्तकबाल बजाया। जानी मियाँ मुंह खोल के हंसे और खुशी से उमक के आवाज दी, हे ए रीता। रीता बाई फूलों के गहने पहने तकिए से टिकी बैठी छोटी सी एक डबिया के शीशे में अपने दांतों की मस्सी चेक कर रही थी और इस कोशिश में अपने खूबसूरत दहाने को तोड़ मरोड़ रही थी। उसने बिलूचंद का नारा सुन के शीशा सामने से हटा के देखा कि जानी मियाँ अपने चमरूधे जूतों समेत फर्शी नशिस्त पर चढ़े चले आते हैं। तो फिलहाल उसने दरगुजर किया और लोफर मर्दों की तरह सीने पे हाथ मार के बोली, हाय जानी, तू आ गया मेरे माशूक। फिर वो अपने सर रुकत से उठी और पाजेब बजाती जानी मियाँ की तरफ चली। बिलूचंद ने बजाया, नादिर धिन्ना नादिर धिन्ना नादिर धिन्ना। रीटा ने कदम बदला, तरीकट धिन्ना। बिलूचंद उस चाल की संगत में था, उसने सच्ची ताल दी। रीटा ने उसे देख के एक बार तारीफ में सरखम किया। बिलूचंद दाद वसूल करते हुए जोड़ी पे एकदम झुक गया। रीटा बढ़ गई। उसका शहाना खराम पस्त दर्जे के उस तमाम छिछोरे बाजारी गिर्दोपेश में यूं लगता था जैसे बुलबुले उठाती कीचड़ पे जरे खालिस की छूट पड़ती हो। जानी मियाँ ने अपनी रेशमी कुर्ते की जेब में हाथ डाला, ओबड़ खाबड़ पंजे में दबोचे हुए 5 रुपए वाले 6-8 नोट निकाले और जब रीटा बाई तनोलकर का शमशाद कद मियाँ के आगे सलाम को झुका तो उन्होंने हलक से भी इंतहा मुसरत की आवाजें निकालते और अपने कुर्ते पे तकरीबन राल गिराते हुए मुट्ठी को 4-6 बार रीटा के सर के गिर्द घुमाया, फिर सारे नोट बराबर में बैठे जुग्गन हारमोनियम वाले को पकड़ा दिए। रीटा ने कनखियों से देखा और हराम के कहते हुए जुग्गन हारमोनियम वाले के पंजे में आए मुड़े तुड़े नोटों पे झपटा मारा। फिर हंसते और जानी मियाँ को आदाब करते हुए वो सब उसने अपने ब्लाउज के गरेबान में ठूंस लिए। जुग्गन के सिवा तमाम साजिंदों और पड़ोस की आई हुई नायिका ने मुसर्रत का नारा बुलंद किया, हे ए शाबाश। बिलूचंद तबलिये ने सलामी बजाई। जानी मियाँ उस ताल पर अपने बेडोल सरापे को गर्दिश देते हुए उठे ही थे कि रीटा ने शानों पे हाथ रख के वजन डालते हुए उन्हें बिठा दिया। फिर उसने बराबर में उदास बैठे अपने बूढ़े सारंगीये की तरफ हाथ बढ़ाया, दद्दा फेजू एक अकन्नी देना। फेजू ने उसी उदासी से अपनी कमीज की जेब में हाथ डाला, रेजगारी निकाली, एक अकन्नी मुंतखिब की और रीटा को पकड़ा दी। रीटा जानी मियाँ पे झुकी तो फूलों में गंधी उसकी चोटी मियाँ के चेहरे से आ लगी। उन्होंने बड़ी पुरशोर छींक मारी और नायिका हंस के बोली, हे शाबाश। रीटा ने हंसते हंसते मांगी कि वो अकन्नी मियाँ के सर के गिर्द 3 बार घुमाई और जुग्गन हारमोनियम वाले की गोद में डाल दी। जुग्गन ने बुरा सा मुंह बना के चुटकी से वो अकन्नी उठाई जैसे सिक्का ना हो मुर्दा कीड़ा हो और आ के साथ लयकारी करते और पेटी के ऊपर लय नोट पे उंगली टिका के गायकों की तरह हाथ चलाते हुए उसे खिड़की से बाहर उछाल दिया। बूढ़ी नायिका ने एक बार और हे शाबाश कहा। जानी मियाँ ताली बजाने लगे। अब सीढ़ियों पे लोगों के चढ़ने की आहट सुनाई दी। सब संजीदा हो गए। रीटा के इशारे पर जुग्गन हारमोनियम वाला उठा। उसने अपना भद्दा हाथ बढ़ा के जानी मियाँ को बांह से पकड़ के उठाना चाहा। मियाँ ने एहतजाज की तेज आवाज निकाली, नहीं नहीं कजो। जुग्गन ने मजबूत गिरफ्त में उनकी बांह को झटका दिया। रीटा ने समझाने की आवाज में मगर गुस्से से आंखें दिखा के कहा, जाओ उधर जाके बैठो, चलो। जानी मियाँ मान गए। वही चमचे ने जुग्गन के हाथ से मियाँ की बांह छुड़ाई
और जहां दीवार के साथ बैठने को कहा गया था मियां को उधर ले चला। वो अभी तक जूते पहने हुए थे। रीटा ने खुरदरी बेमुरव्वत आवाज में वहीद से कहा, जूते उतार उसके और उसे समझा के रख, बोल खामोश बैठने का है, मेहमान आ रहे हैं। जानी मियां ने हां में सर हिलाया और धीरे से रीटा की बात दोहराई, मेहमान आ रहे हैं, मेहमान आ रहे हैं। जानी मियां ने हां में सर हिलाया और धीरे से रीटा की बात दोहराई, मेहमान आ रहे हैं, मेहमान आ रहे हैं। बैठक पे तमाशबीन चढ़ आए थे। जुग्गन ने हारमोनियम खींच के गत बजानी शुरू कर दी। बिलूचंद तबलिया, जो कोई तबलची मीरासी नहीं, जात का धोबी था और इसीलिए बिलूचंद ब्लीचिंग पाउडर के नाम से मशहूर था, एकदम जोश और खरोश से संगत करने लगा। काम का वक्त शुरू हो गया था। रीटा का गाना शुरू हुआ तो जानी मियां ने वही सब किया जो दूसरे तमाशबीन कर रहे थे। वो खुश हो के ताली बजाते, जब जी चाहता जेब से नोट निकाल के रीटा बाई को पेश कर देते, फिर वो दीवार से टेक लगा के बैठे बैठे सो गए। तो किसी छिचोरी नोची ने, जो उन्हें पहली बार देख रही थी, खूंटी पे टंगी गोटा लगी पेशवाज उतार मियां पर टांग दी, उनका छोटा सा घूंघट भी निकाल दिया। तमाशबीनों में से एक, जो नोची को बराबर घूरे जा रहा था, जोर से कहका मार के हंसा। वहीद ने जानी मियां के ऊपर से पेशवाज हटा ली। उस वक्त वो नींद में आसूदा बच्चे की तरह मुस्कुराए थे। ये देख के बाकी के तीन तमाशबीन भी हंस पड़े। दद्दा फेजू ने उदासी से और रीटा ने खंजर आंखों से बेढब ठटोल करने वाली नोची को देखा। वो समझ गई कि इस बेजाबतगी पर बाद में रीटा उसे गालियां सुनाएगी। हो सकता है कि एक दो हाथ भी जड़ दे। 12 बजे तक जो तमाशबीनी का सरकारी वक्त था, ये आवन जावन लगी रही। 12 के बाद इलाके के थाने वालों ने कुछ देर और सिर्फ एमरजेंसी केसों को कुछ ले लिवा के कोठों की सीढ़ियां चढ़ने दी। फिर ये सिलसिला भी खत्म हुआ। एक एक दो दो करके कोठों की रोशनियां बुझने लगीं। साजों की आवाजें खत्म हुई। ऊपरले माले तक इंतहाई हंगामी जरूरत में जाने वाले भी इक्का दुक्का रह गए। फिर पुलिसियों ने खामा खा मंडलाने वालों को गालियां देना, बैद मारना और सीटियां बजा बजा के इलाके से निकालना शुरू कर दिया। 1 बजे तक सब जा चुके थे। रीटा तनुलकर ने सीढ़ियों पर जाके कुफल डाल दिया। उसने बैठक के कालीन पर लॉन्ड्री की ताज़ा धुली चादर फैला दी। तब कहीं आबकारी महकमे के इन्वेस्टिगेटिंग एजेंट को, जिसका असल नाम IB झा था, उसने अपनी सहमाई रिपोर्ट लिखाना शुरू की। वो जो जानी मियाँ बना हुआ था, अपना सवांग भुला के गाँव तकिए पे सर रखे बेआरामी में भी बेखबर सो गया। जानी मियाँ का चमचा वही। आपको अभी अभी मालूम हुआ होगा कि मेरा नाम IB झा है और मैं सरकारी आदमी हूँ। किस्सा ये था कि राजस्थान और सेंट्रल इंडिया की सरहदी बेल्ट पर बहुत सी जगह चोरी छुपे अफीम की पैदावार शुरू हो गई थी। वो सीधी बम्बई लाई जाती थी आगे पहुंचाने के लिए। यूपी के तयशुदा ओपीएम कल्टीवेशन के बेहतरीन इलाकों से भी किसी किस्म की एंट्री इंदिराज के बिना चोरी की अफीम इधर बॉम्बे आने लगी। तब सेंट्रल गवर्नमेंट को फिक्र हुई। आबकारी पुलिस की नाकामी के बाद मामला ऊपर तक पहुंच गया तो सेंटर से मुझे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंट मुकर्रर किया गया।